सर ये जानना चाहते हैं कि किसान को इसकी खेती कौन सा वेराइटी का करना चाहिए और कौन सा माटी में कौन समय लगाना चाहिए। देखिए कि ये गन्ना एक नगदी फसल है और फसल गन्ना हो, कोई हो, दलहन हो, तिलहन हो, खाद्यान्न की फसल हो, उसमें प्रभेदों का सबसे बड़ा चुनाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो गन्ने की फसल हमारे इस उत्तर भारत में, हमारे बिहार में बसंतकालीन गन्ना मुख्य है, जो कि जनवरी और फरवरी और मार्च के महीने में बोया जाता है। दूसरा शरदकालीन गन्ना, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है। दो ही मुख्य समय इसके बोने का है। प्रभेदों का चुनाव करते समय इसमें मुख्य ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक अनुसंधान संस्थान से नए नए प्रभेद विकसित किए जाते हैं। अभी हमारा राजेंद्र गन्ना 1, राजेंद्र गन्ना 3, राजेंद्र गन्ना 5, ये गन्ना जो है अर्ली मैच्योरिंग है, जो शीघ्र पकता है, उसमें चीनी का परता भी ज़्यादा होता है, ये सर्वथा उपयुक्त पाया गया है। इसके अलावा COP 93-1, वो भी गन्ना बहुत अच्छा है, उसमें भी चीनी परता बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा शरदकालीन गन्ना अगर लेते हैं, शरदकालीन के समय में गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसकी 15% पैदावार भी ज़्यादा होती है और उसकी चीनी की रिकवरी भी ज़्यादा होती है। और उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतर्वर्ती खेती, जो कि गन्ना जैसे जानते हैं लंबी अवधि की फसल है, वर्ष में एक बार इनकम देने वाली फसल है, पंक्तियों में बोई जाती है और दो पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, उस स्थान में हम अंतर्वर्ती खेती कर करके मध्यावधि में ही कुछ न कुछ आमदनी किसान प्राप्त कर सकता है। तो शरदकालीन में गन्ने में मुख्यतः हमारा आलू है और मसाले वाली फसलें में ये आपका धनिया है, मेथी है, इसको ले सकते हैं, मसूर की फसल ले सकते हैं, गेहूं की भी फसल अंतर्वर्ती खेती के रूप में ले सकते हैं। हमारे पास कई फसलें ऐसे हैं जो शरदकालीन गन्ने में ले सकते हैं। बसंतकालीन में अंतर्वर्ती खेती लेने के लिए मुख्यतः उसमें ले सकते हैं लोबिया ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, भिंडी की फसल ले सकते हैं। इसके अलावा जो कुकुरबिट्स हैं, हमारी सब्जियों की खेती है, उसको भी उसमें कर सकते हैं। तो मुख्यतः बातें हैं प्रभेदों का चुनाव, खेत की तैयारी, पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और गन्ना बढ़ने के बाद उसकी बधाई और कटाई। उसके बाद बात आती है खूंटी की, क्योंकि गन्ने में बावक गन्ना और खूंटी की फसल दोनों किसान लेते हैं तभी फायदा होता है। और खूंटी की फसल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बीज का गन्ना है वो उसमें नहीं लगाना पड़ता है। तो जो मुख्यतः हमारा जो खर्च होता है बीज में, वो हमारी बचत हो जाती है खूंटी में। इसलिए खूंटी एक किसान भाई बावक गन्ने के साथ एक खूंटी की फसल अवश्य लें। बीज चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है और एक हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर गन्ने में 60 से 70 कुंटल बीज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे हम लोग एकल गांठ विधि से भी गन्ने की बुआई करते हैं। जनरली हम 3 आँख के टुकड़े गन्ने की बुआई के रूप में उपयुक्त में लाते हैं, 3 आँख के टुकड़े। तो 3 आँख के टुकड़े में से आप देखें तो हम मान के चलते हैं कि एक ही आँख इसमें जमा होगा, लेकिन इन आँखों को अलग करके तीनों का हम बिचड़ा तैयार करते हैं, उसकी नर्सरी तैयार करते हैं एकल गांठ विधि से। एकल गांठ विधि में इसको जर्मिनेशन के बाद 30-35 दिन के बाद इसको खेत में हम फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद इसमें हमारा फायदा रहता है कि एक तो हमारा 1/3 बीज लगता है, जहाँ 3 आँखें लगती हैं वहाँ 1 आँख से काम हो गया। और दूसरा इसमें यह है कि हमारा जो अंकुरण है, जर्मिनेशन, इसमें जो है कोई जमा कोई नहीं जमा, इसमें 100% ये संभावना है कि जो हम लगा रहे हैं वो हमारा जमेगा ही। तो हम एकल गांठ विधि से नर्सरी का उपयोग करके ये बीज के रूप में उपयोग में लाते हैं और बाकी जो शस्त्रक्रियाएँ हैं वो सभी में बराबर हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी होती है चीनी पर। गन्ने की खेती करने का बिल्कुल समय जो अभी हमने आपको बताया कि बसंतकालीन गन्ना जो है वो उसका सही समय चल रहा है, वो फरवरी और मार्च का महीना उसके लिए सर्वथा होगा। सर कौन सी मिट्टी में कौन सा मतलब वैरायटी का गन्ना लगाना चाहिए? देखिए हमारे उत्तर भारत की सभी मिट्टी जो जलोढ़ है, सेमी दोमट एलुवियल सॉयल हैं, उसमें सभी में हम जो है गन्ने की खेती कर सकते हैं। और पानी की सुविधा थोड़ा चाहिए इसमें, क्योंकि पानी अगर नहीं है, गन्ना एक जो सिंचित क्राप है, असिंचित क्राप नहीं है, अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वहाँ गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं होती। और सभी हमारे यहाँ की मिट्टी उसके लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। ऐसा कुछ वैरायटी, कोई ऐसा प्रभेद नहीं है कि किसी हमारे सॉयल में ना हो, किसी मिट्टी में उसकी पैदावार। अच्छे उत्पादन के लिए अपने यहाँ जो उपलब्ध है यूनिवर्सिटी में, और कौन सा वैरायटी का लगाना चाहिए? वैरायटी राजेंद्र गन्ना 1 है, राजेंद्र गन्ना 3 है, राजेंद्र गन्ना 5 है, ये प्रभेद, और COP 93-1 ये भी प्रभेद हमारे यहाँ से विकसित है। इसका हमारे यहाँ बीज उपलब्ध है, हमारे यहाँ बीज की अलग से इकाई है, किसान भाई उनको पत्र लिख करके
उनका मोबाइल फोन नंबर पे फ़ोन कर करके आ करके उसमें बीज ले जा सकते हैं अगर उनको ज़रूरत हो तो। अगर आर्डर देते हैं तो एकल गांठ विधि भी हम उसके लिए उनके लिए तैयार करेंगे, इसको ले जा करके गन्ने की आप खेती कर सकते हैं, वो अच्छी पैदावार पर करते हैं, चीनी की पत्ता भी उनको मिलेगी। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, निदेशक ईख अनुसंधान संस्थान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा।